दोस्तों आज बहुत ही खुशी का दिन है। सर मैं केबीसी से बात, गुड न्यूज जानकारी है, सब नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं राजा ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों हर रोज की तरह जो है हमारी प्यारी बहन जो चाय बना रही है, बनना चाय दोस्तों, सब ठीक होंगे? हाँ ठीक है सब लोग। दोस्तों आज सवेरे हम लोग जल्दी उठ गए, देखते होंगे धुंधला धुंधला लग रहा होगा। अभी जो है चाय तैयार हो रहा है तो मम्मी पापा को चाय देते हैं, फिर उसके बाद जो है प्यारा व्लॉग जो है हमारी प्यारी बहन की तरह स्टार्ट करेंगे। सवेरे जो है सुहानी जो झाड़ू लगा रही है। कहाँ से चांद निकला है? पश्चिम से चांद निकला है। देखिए मेरे सवेरे आज घर को साफ कर रही है, सही मूड में है ये, नहीं तो गुस्सा में रहती है। तो दोस्तों चाय जो हो चुका है रेडी, अभी मम्मी पापा को चाय देते हैं। मॉर्निंग बच्चों। आप कैसे हो बच्चों? अपना समाचार अपना मम्मी से बता। आप बच्चों सब चाय ले लीजिए, चाय पी लीजिए बच्चों, तो हम पिएगी सब। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी छोटी बहन सुहानी जो आज बहुत मेहनत करने में लगी हुई है। मम्मी और हमारी छोटी बहन रागनी जो है गई है मार्केट, तो सुहानी जो है पूरा चूल्हा जो है गैस का साफ कर जो है पूरा घर का सफाई कर रही है। आज क्या बात है, फिर से देखना पड़ेगा कहां से चांद निकला है। देखिए बेचारी सब पूरा घर को जो है साफ कर दी। तो दोस्तों कल मैं 10 तारीख को गोंडा जंक्शन आने वाला, 10 तारीख को जो 10 बजे मॉर्निंग में मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी और आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम के स्टोरी पे मैं डाल दूंगा कि मैं गोंडा जंक्शन के किस लोकेशन के आसपास में हूँ, वहाँ मैं लोकेशन दे दूंगा। तो आप लोग आकर मिल सकते हैं, जो भी एक्सपीरियंस होगा आप लोग को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे। अग्नि को जो भूख लगा हुआ है अभी बाहर चाहिए। मम्मी मम्मी देखिए ऊपर गई हैं, अभी भूख लगा हुआ है, खाना खाएंगे तब कपड़ा। देखिए इसको बोलें कि कपड़ा धुल दो, तो कह रहे पहले खाना खाएंगे तब। ठीक है खा लो खा लो। क्या कर रही है यहाँ पे जो है, ये सोई हुई है। देखिए बेचारी ये भी बहुत काम किया, थक गई है। क्या बच्चा कहाँ पे घुसा हुआ है अंदर, यहीं पे जो है पूरा का पूरा गंदा कर दिया। सच में भूख लगा था, देखिए दोस्तों अभी खा रही है बेचारी। मैं भी अभी यहाँ पे खाएंगे आराम से। बारिश होने के बाद जो भी इधर उधर रहता है तो इसको बोलते हैं कि आराम करो, तबीयत इसका सही नहीं रहता मम्मी का। तो ये रहा दोपहर का खाना, आप लोग भी आइए खाने के लिए, और मम्मी भी बैठी हुई हैं। बहुत है दोस्तों, मम्मी उधर बैठी हुई है खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए। तो देख सकते हैं हमारी छोटी बहन जो शरबत बना रही है, किसके लिए बना रहे बाबू? मम्मी के लिए बना रहे हैं। पूरा जो है पानी रखा गया और चीनी को मिक्स करके अभी जो शरबत बनाया जाएगा, उसके बाद देखिए मिला रही है नींबू को। मेरे लिए नहीं बनाओगी? बनाए। देखिए नाके पर गुस्सा है इसको। तो छोटा बाबू के लिए लो, बाबू पी लो, देखिए सोया हुआ है यहाँ पे। हाँ मम्मी का शरबत लीजिए, मम्मी नहीं भी आ गई, इसको भी अब शरबत पीना होगा। कपड़ा कौन सा कपड़ा ले? अच्छा हाँ, कपड़ा धुलने के लिए जो है हमको गोंडा जंक्शन जाना है, छोटी बहन को जो फीस दो, ये वाला हो गया, और एक जूता होगा उसको भी साफ कर देना, ठीक है? शरबत पी लो और कपड़ा फेंक देना, आराम कर लेना, ठीक है? दोस्तों काफ़ी गर्मी हमें भी लग रहा है, तो देखिए हमारी छोटी बहन हमारे लिए भी शरबत बनाई है, तो हम भी पी ही लेते हैं। और शरबत क्या करें, यहाँ जो कोल्ड ड्रिंक है ना, के लिए 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, अभी जो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवा पाते हैं। देख सकते हैं मम्मी क्या कर रही है, क्या करें मम्मी? मूंग है इसको काहे पीस रही है? फुला करके लोहा से दाल दरद रही है। बिल्कुल उनको जाता चलता नहीं, भारी जाता है। देखिए बैठी हुई इसको मना करते हैं कि मम्मी ना बैठा करो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर भी बैठती है। सो चुका है बढ़िया से, आप लोग दाल जो है पूरा तैयार हो चुका है। देखिए मम्मी का हाथों का जादू हो रहा है, हमारे घर की दाल जो है हम लोग अपने हाथों से जो है इसको तैयार करते हैं। कहाँ ले जा रही है इसको? घर में। देखिए ये हमारी छोटी भांजी, ये भी काम करती है, घर का भी पंखा जो है सबने जो है ऑन करके रखा हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। सुहानी क्या लेकर जा रही है? सुहानी देखिए मम्मी बोलिए मिट्टी उठाने के लिए जा, देखिए बातें नहीं मान रही है, जो है परेशान हो गई है। और रागनी अभी सो रही है घर के अंदर, चूल्हे बनाना है। देखिए मिट्टी लाया गया था यहाँ पे, ये निपने वाला मिट्टी है, चूल्हा का मिट्टी जो है यहाँ पे रखा हुआ है, चूल्हा के मिट्टी लेके ना जाइए, भारी है तक। ये दोस्तों ये ना इंसाफी हो रहा है, बड़ी बहन काम कर रही है, छोटी को देखिए क्या कर रही है, वहाँ पे खड़ी है।
पूछे रागनी से, सुहानी खाली और चलाती है, बोलते काम करने का। देखिए कह रहा हम ना कर लिया कि मतलब मैं नहीं किया हूँ कि सकते हैं। मौसम जो आज बहुत ही गड़बड़ है, आज बारिश हो के ही रहेगा। अरे हमारे गांव के बच्चे जो है खेलने आते हैं, हम भी बचपन में यहीं पे खेलते थे, जो पूरा खेत जो खाली मैदान हो जाता था यहाँ। मेरा फेवरेट टी शर्ट जो है रागनी ने फींच दिया है, बढ़िया से साफ कर दिया है, इसी को पहन के हम निकलेंगे गोंडा जंक्शन। और वहाँ पे जो हमारा फेवरेट जूता, देखिए वहाँ देखिए दोस्त, भांजा भांजी जो है घास लेकर आ रही है। ये मम्मी आ रही है घर पे, बार बार मना करते हैं कि तुम ना जाया करो, हम तोड़ के ला देंगे। मम्मी उधर काम कर रही है, इसको देखिए मुंह में स्नो पाउडर लगा के जो है तैयार हो गई सामने घूमने के लिए। कहाँ जा रही है? घरे रहेंगे दोस्तों। बारिश का मौसम आने वाला है, और देखिए ये क्या कर रहे हैं, देखिए देखिए चिल्ला चिल्ला के परेशान कर रही, चिल्ला चिल्ला के। रागनी इसको बांध दो, चिल्लाती रहती है पूरा दिन, कितना भी खिला दो। तो इस पेड़ पे जो है एक अनोखा चीज देखने को मिला है हमें, ये देखिए यहाँ पे जो है ना एक घोंसला लगा हुआ है। सबको देखिए यहाँ पे एकदम मजे से जो खिजला रहा है घर में, घर का सारा बर्तन वर्तन हेडफोन वगैरह जो भी होता है काट पीट के बराबर कर देता है। तो माता जी पधार रही है, इनको हम बार बार मना करते हैं कि तुम मत जाया करो। देखिए देखिए आदमी का चारा है भात रोटी, हाँ बच्चा के रखे हुए तो बच्चा क्या खाएगा, कष्ट में कष्ट करके तो उसको खिलाना पड़ेगा। पैर बेचारा का टूट गया, देखिए एक पैर को जो है ऊपर लटकाया हुआ है, देखिए खा रहा है एकदम आराम से मस्त। दोस्तों मुझे भुजा खाने का मन कर रहा है, उसको हम बुला रहे हैं बार बार कि आओ रागनी भुजा को भूज दो, अमरूद खा रही, सर्दी उर्दी हो जाएगा बेकार में, पैसा घर का बर्बाद देगी। अरे क्या रुपया? 10 रुपया। अरे भाई सुहानी जैसे हो गई, 10 रुपया देंगे तब ही भुजा भूजेगी। देखिए चावल और चना का जो है भुजा यहाँ पे भुजा जाएगा, और बारिश भी थोड़ा टिपटिपा रहा है। देखिए रागनी जो है को जो सुन पैसा मांग रही है 10 रुपया, मम्मी 10 रुपया मांग रही है। जल्दी जल्दी जो है भुजा भूजो और सभी को खिलाओ। उतार लिए जूता भूल गए, लेते हो भागो 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 वहाँ से भागो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। ये दोस्तों सुहानी जो है मम्मी से पूछ रही कि क्या क्या लाना दुकान से। देखिए क्या क्या लाना है, हाँ चार अच्छा दो टकाटक, हाँ 2 किलो आलू, हाँ और कथी मम्मी दो टकाटक क्या होता है, कुरकुरा। अरे देखिए इसको समझ में नहीं आता टकाटक, और क्या होता है। रिफाइन 1/2 किलो और 1.5 किलो मैदा और चीनी 1/2 किलो, बस हो गया। हाँ सुहानी तो और क्या, पास्ता खाने के लिए पास्ता। देखिए मम्मी को मना रही है अभी अभी, इसको आइए बरखा बो आज ही बरखा है। सुहानी जो है सामान लेकर आ गए, देखे दिख। अरे वाह मैगी ले आइए क्या सच में, तो देखिए टकाटक भी लेके आइए। देखिए रागनी को देखिए, ये देखने आई है कि क्या है नहीं है इसके अंदर। देखिए ये सबका फेवरेट है, बाप रे बाप घर का भट्टा बैठेले है सब। देखिए तब ऐसा ऐसा पैसा खर्च कर रहे हैं दोनों में। दोस्तों हमको जो बच्चा समझ के रखे है क्या दे रही है, भैया के लिए कुरकुरा है, हम भी खा रहे भैया। हमको छोटा बच्चा बना के रखी हुई, देखिए कुरकुरा दिया हमको खाने के लिए। रागनी ने जो है भूजा को तैयार कर दिया, बढ़िया चना चावल दोनों बढ़िया से पक चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों को मिक्स करके भूजा बनाएगी आप लोग भैया ये खाने के लिए। देखिए चना है जैसा अभी हमने वीडियो में दिखाया होगा आपको। तो रागनी ने जो है भुजा कर दिया है तैयार, और आइए शाम का टाइमिंग हो रहा है, आप लोग भी आइए भुजा खाने के लिए। दोस्तों मम्मी भी भुजा खा रही, हाथों से खिलाने वाली हमें। देखिए छोटा में खिलाते थे, अभी बड़ा हो गया था अभी नहीं खिलाएंगे। देखिए मम्मी खिला रही है इसको अपने हाथों से, देखिए। तो दोस्तों आज बहुत खुशी का दिन है, और पापा के फोन पे जो है लॉटरी का टिकट का जो है कूपन आया है, और उसमें एक रिकॉर्डिंग है,
तो मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ ये क्या असली में हम लोग को लगा है, क्या सच में हम लोग को 25 लाख की लॉटरी लगा है। देखिए रात से जो हम लोग परेशान है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये सच है कि झूठ है, और इस पर कुछ जो है रूल रेगुलेशन कहा जा रहा है कि यहाँ पे कॉल कीजिए वहाँ पे कॉल कीजिए। तो मैंने सोचा अपने फैमिली मेम्बर्स को बता दूँ, जो हमारे 80 के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको, कि हमको जट आया है और पापा के लिए, पापा तो अमीर हो गए, 25 लाख आया था इनके फ़ोन पे, जियो वाला फ़ोन पापा चलाते हैं ना, तो उसमें से मैंने अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिया है व्हाट्सएप पे, तो मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ, देखिएगा। नमस्कार सर, सर मैं KBC से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज़ जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर आपको और आपकी फैमिली को KBC से कांग्रेचुलेशन, वादाई पेश करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है। हमारी कंपनी की तरफ से 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL और जियो कंपनी, 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, जिस नंबर का आप व्हाट्सअप चला रहे हो। आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। सर मैं आपको बता दूं ये लॉटरी आपको कहां से और कैसे रिसीव होगी। सर मैंने आपकी व्हाट्सएप पे लॉटरी की कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी है, डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है। सर आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है, सेव करने के बाद आपने उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करनी है। अगर आप उस नंबर पे नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी, आपकी उस नंबर पे फाइनली व्हाट्सएप कॉल होगी। जैसे आप मैनेजर को व्हाट्सएप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे, तो सर इस चेक लेटर के अंदर आपका लॉटरी का नंबर भी दिया हुआ है, आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है, बाकी की जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आप इनसे बात कीजिए, बाकी की जो भी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। थैंक यू सर। तो दोस्तों देखिए इस तरह से जो है हमारे पापा के नंबर, जियो वाला नंबर पे जो मैसेज किया गया है, और मैं वो व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिस नंबर से आया है मेरे पास मैसेज, पे जो 25 लाख का जो है KBC की तरफ से जो है लॉटरी लगा है। तो ये बताइए आप लोग कमेंट में करके, अमिताभ बच्चन सर जो है KBC चलाते हैं, वहाँ से ऐसा फेक न्यूज आता है या फिर को फंसाया जाए, इस तरह से बैंक अकाउंट हैक किया जाए, बहुत सारी बातें, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इस रिकॉर्डिंग को सुनकर सच है कि नहीं। बट कोई भी आदमी जो है कन्फ्यूज हो सकता है, 25 लाख का बात है, अगर कोई कहेगा भी, मजाक से भी कोई कह देगा कि आपको 25 लाख रुपये मैं देने वाला हूँ, तसल्ली मिल जाता है, दिल खुश हो जाता है। बट इसमें लॉटरी का बात मैं कल रागिनी ने जो है हमको सुनाया कि पापा के फ़ोन से, क्योंकि पापा का फ़ोन रागिनी ही यूज़ करती है, तो उसमें व्हाट्सअप में जो है आया था ये मैसेज। तो आप लोग बताइएगा ये सच है कि नहीं। क्या पापा आप तो अमीर हो गए हैं, फ्रॉड है पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आया था जो 13 लाख का आपका लाल कलर का गाड़ी मिल गया, आप 16000 रुपया पहले दीजिए, उसके बाद हम गाड़ी भेजेंगे। आए हैं और 25 लाख का लॉटरी अगर जिस दिन हमको लग गया, उतना तो मुझे लगता है यूट्यूब से भी मैं कमा नहीं पाऊंगा कि जिस तरह से उन्होंने मैसेज भेजा। तो ये सब फ्रॉड कॉल होता है, कुछ हद तक सच लगा था, लेकिन बढ़िया से मैंने रिकॉर्डिंग को सुना। तो व्हाट्सअप कॉल करो, उस पर व्हाट्सअप कॉल करने के लिए बोल रहे हैं, डायरेक्ट कॉलिंग नहीं हो सकता है, इन सभी मैसेज में ना पड़े। तो बट आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली ब्लॉग को देखते रहिए, हमें इसी तरह सपोर्ट कीजिए और 1 लाख सब्सक्राइबर तक मुझे पहुंचा दीजिए। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, उस पर जाकर के फॉलो कर लीजिए। मम्मी क्या बोलोगी? हम क्या बोले, पापा तो बताइए दे, हम तो लॉटरी के बारे में हमको तो जानकारी भी नहीं है, हम क्या बता सकते हैं। मम्मी सब सभी लोग आप लोग से खुश है, बस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह सपोर्ट कीजिए मेरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।